व्याख्यान प्रसारण के पुण्यार्जक स्वर्गीय वसंतलाल शांतिलाल शाह और लता बेन वसंतलाल शाह अहमदाबाद सुरेंद्र नगर वाले की पुण्य स्मृति में। फर्म पार्श्व प्रेम पी के इंफ्रा LLP अहमदाबाद उत्पल वी शाह, उत्पल वसंतलाल शाह पुत्र, किंजल बेन उत्पल भाई शाह पुत्र वधु, अविश देवांश पौत्र, सुरभि बेन मनोज कुमार शाह पुत्री, सुनीता बेन अश्विन कुमार शाह पुत्री। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसी लाभनिनावंदा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। ज्ञान दान क्रियाशील तपस्या आगे सूत्र रेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्र उन्मीलितव्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्यो वर प्रद एक बगीचा वह एक बगीचे में एक छोटा सा पौधा और वह छोटे से पौधे पर एक फूल हुआ। धीरे 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 वह फूल बड़ा होते जा रहा है, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वह फूल के मन में विचार आया, क्या गजब का जीवन मुझे मिला है, मेरे पास सुवास भी है, मेरे पास रूप भी है, मेरे पास सौंदर्य भी है, मेरे पास सुगंध भी है, सब चीज लेकर मैं बैठा हुआ हूं। मुझे लगता है कि सबसे श्रेष्ठ जीवन मुझे मिला है। अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ फूल यह मन में सोचता है, मुझे सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जीवन मुझे मिला है। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा भी चला गया और पांचवें दिन शाम को फूल मुरझाना शुरू हुआ। फूल के मन में विचार आया कि मेरे पास सुवास है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास रूप है, मेरे पास सौंदर्य है, मेरे पास सुगंध है, सब चीज मेरे पास है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि मेरा कहीं पर उपयोग हो जाए। मैं ऐसे ही ऐसे मरना नहीं चाहता, ऐसे ही ऐसे मुरझाना नहीं चाहता, ऐसे ही ऐसे पेड़ से नीचे गिरना नहीं चाहता।
मैं चाहता हूँ कहीं मैं मंदिर में चढ़ जाऊँ, मैं चाहता हूँ कहीं मैं गुरुद्वारे में चढ़ जाऊँ, मैं चाहता हूँ कहीं मैं मस्जिद में चढ़ जाऊँ, मैं चाहता हूँ किसी के माथे पर लग जाऊँ, मैं चाहता हूँ किसी के चरण में लग जाऊँ, मैं चाहते रहता हूँ। फूल हर रोज प्रतीक्षा करता है, लेकिन कोई लेने वाला आता नहीं है। और पांचवें दिन शाम को फूल नीचे गिर जाता है, मुरझाता है, नीचे गिर जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। शास्त्रकार भगवंत हमें यह बताना चाहते हैं, यह समझाना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं, फूल कितना ही शक्ति संपन्न था, कितना ही रूपवान था, कितना ही सौंदर्यवान था, कितना ही दिखने में अच्छा था, कितना ही आंखों को आनंद देने वाला था, लेकिन फिर भी पांच दिन में वह मुरझा गया, नीचे गिर गया, कभी किसी के काम में ना आया, कोई उपयोग में ना आया। शास्त्रकार भगवान कहते हैं ऐसे फूल कितने ही भले, जबरदस्त शक्तिशाली, रूपशाली, सौंदर्यशाली हो, लेकिन ऐसे फूल कुछ काम के नहीं होते। शास्त्रकार भगवान हमें बताना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि आपको मनुष्य भव मिला है, आपको मानव जन्म मिला है, आपको यह मानव देह मिला है। वह मानव देह मिलने के बाद आप बोलते हो, गुरुवर, प्रभुवर, मेरे पास पांचों इंद्रिय है, मेरे पास मन भी है, मेरे पास शक्ति भी है, मेरे पास सौंदर्य भी है, मेरे पास सामर्थ्य भी है, मेरे पास अच्छा शरीर भी है, मेरे पास रूप भी है, मेरे पास लालित्य भी है, मेरे पास अच्छा देह भी है, मेरे पास शरीर की निरामयता भी है, सब चीज मेरे पास है। लेकिन शास्त्रकार भगवत कहते हैं कि यदि यह चीज किसी के काम में ना आई, यदि यह चीज किसी के उपयोग में ना आई, यदि यह चीज और किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं बनी, शास्त्रकार भगवत कहते हैं पांचवें दिन मुरझाए हुए फूल की जो हालत थी वो हालत तेरी हो जाएगी। एक अद्भुत आनंद का अवसर, एक ऐसे गुरु भगवान की आज बात मैं आपके सामने रखूंगा, जो गुरु भगवान के बारे में आप सुनोगे तो आपके 3.5 करोड़ रोम राजी विकसर हो जाएंगे। जो गुरु भगवान के बारे में आप सोचोगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं, अरे अद्भुत गजब का क्या उनका जीवन था। जो गुरु भगवान के बारे में आप सुनते जाओगे, आपके मन में अनुमोदना होती चलेगी। ऐसे गुरु भगवान की बात मैं आज आपके सामने रखूंगा। 86.5 साल तक गुरु भगवंत संयम आराधना करते रहे। 11 साल की उम्र में गुरु भगवंत ने संयम धारण किया। और ऐसे गुरु भगवंत जिन्होंने 11 साल से लगाकर 97 से ज्यादा तक की उम्र पूरी संयम में जिन्होंने व्यतीत की, खुद का जीवन तो आनंदमय बनाया लेकिन विश्व को आनंद देने वाले बने, खुद का जीवन तो मंगलमय बनाया लेकिन विश्व का मंगल करने वाले बने, खुद का जीवन तो अच्छा बनाया लेकिन विश्व के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को अच्छा बनाने वाले बने, खुद का जीवन तो संयम मार्ग पर लेकर आ गए लेकिन हजारों मुमुक्षुओं को, हजारों आत्माओं को भी संयम मार्ग पर अग्रेषित कर दिया, संयम मार्ग पर प्रेषित कर दिया। 4 बातें आज मैं आपके सामने रखूंगा, 4 गुरु भगवान के विशिष्ट गुणों की बातें और 4 गुरु भगवान से याचना। गुरु भगवान आपके जीवन में यह गुण था, यह गुण मुझे चाहिए। गुरु भगवान आपके जीवन में यह गुण था, यह गुण मुझे चाहिए। 4 याचना गुरु भगवान से आज करेंगे। एक चीज समझ लेना, अपने जिन शास्त्र में, अपने जैन धर्म में गुणानुवाद एक ऐसा शब्द आया है, गुण का अनुवाद। जो गुण जिनके जीवन में थे उनके जीवन में से वह गुण हमारे जीवन में आए, यह गुणानुवाद। हम यहां से पाठ पर बोले, आप नीचे बैठे बैठे सुन लो, आप अपने घरों में बैठे बैठे सुन लो, यह गुणानुवाद नहीं है। लेकिन गुणानुवाद यह है, जो गुण जिनके जीवन में गुण थे, जिनके जो भी गुरु भगवान के, जो भी गुरु भगवान के गुरुदेव के हम गुणानुवाद कर रहे हैं, उनके जीवन में जो गुण थे वो गुण हमारे जीवन में आए, यही सच्चा गुणानुवाद है। और इसीलिए आज 4 बातें गुरु भगवान के जीवन की मैं आपके सामने रखूंगा। कि कहा गया है, महापुरुष जब जीवंत होते हैं तब तो अनेकों प्राणियों को तार देते हैं। महापुरुष जब जीवंत होते हैं तब अनेक प्राणियों को तार देते हैं, लेकिन वह जाने के बाद भी हजारों लाखों लोगों को रास्ता दिखाते रहते हैं। भले ही वो चले गए हमारे बीच से, भले ही वो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, भले ही वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं होते हुए भी, हमारे समक्ष नहीं होते हुए भी हमें मार्ग दिखा रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं। यही महापुरुष की पहचान है। जीवंत होते हैं हजारों लाखों को तार देते हैं, चले जाने के बाद लाखों करोड़ों को तार देते हैं। ऐसे गुरुदेव का आज गुणानुवाद करना है।
गुरुदेव के जीवन की चार अद्भुत चीजें मैं आपको बताऊंगा। हमने गुरु प्रेम के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन आज एक नए एंगल से सुनने की कोशिश करेंगे। हमने गुरु प्रेम के बारे में कई बार उनके जीवन को देखा होगा, चित्रपट पर हमने उनके जीवन को सुना होगा, हमने उनके जीवन को समझने की कोशिश की होंगी, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि आज हम कुछ नए एंगल से उनको समझने की कोशिश करेंगे, आज कुछ नए एंगल से उनको देखने की कोशिश करेंगे, आज कुछ नए एंगल से उनके जीवन के समझने की हम कोशिश करेंगे। चार चीजें मैं आज आपके सामने रखना हूं, चार गुरु भगवंत के गुण और चार प्रार्थना। सबसे पहली बात, पहले तो हम ये समझ लें, गुरु भगवत ने 11 साल की उम्र में दीक्षा ली और गुरु भगवान के जीवन की एक घटना ऐसी घटित हुई, उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई। गुरुदेव की उम्र शायद 8 साल आसपास थी और वह 8 साल की उम्र में गुरुदेव के पिताजी अंतिम अवस्था में थे। जिसको निमित्त चाहिए उसको हजारों निमित्त मिलते हैं और जिसको बहाना चाहिए उसको हजारों बहाने मिलते हैं। जिसको अच्छा लेना आता है, अच्छा पकड़ना आता है, कहीं कहीं पर से भी अच्छी चीज को ढूंढना आता है, वो इंसान हर एक चीज में से अच्छा ही ढूंढ लेता है, और जिसको बुराई ढूंढनी आती है वो इंसान अच्छे से अच्छी चीज में से भी बुराई ढूंढ लेता है। 9 साल की गुरु भगवंत की उम्र, उनके पिताजी की अंतिम अवस्था, और पिताजी ने एक इच्छा जाहिर कर दी कि मुझे साधु के दर्शन करने हैं। क्योंकि अपने शास्त्रकार भगवान कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साधु नाम दर्शनम पुण्य, साधु के दर्शन मात्र पुण्य को देने वाले हैं, साधु के दर्शन मात्र आनंद को देने वाले हैं, साधु के दर्शन मात्र हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। और इसीलिए कहा के मुझे साधु के दर्शन करने। गुरु भगवंत का संसारी नाम था पन्नालाल जी, यही बाजू में अजमेर के बाजू में विजयनगर करके एक गांव है, वो विजयनगर के गुरु भगवंत निवासी थे। मुझे साधु के दर्शन करने, अंतिम अवस्था पिताजी की। पन्नालाल और उनके बड़े भाई शेषमल जी दोनों भागते हैं, पूरे शहर में पूरे नगर में ढूंढते रहते हैं, कई उपाश्रम में साधु भगवंत मिल जाए, कोई स्थानक में साधु भगवंत मिल जाए, कोई दिगंबर मंदिर में साधु भगवंत मिल जाए, कोई तेरापंथ भवन में साधु भगवंत मिल जाए, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागते रहते हैं। कई साधु भगवंत का योग नहीं था। दोनों भाई निराश हो गए, क्या करें। पिताजी की अंतिम इच्छा है, बहुत दुख होता है जब पिताजी की अंतिम इच्छा हम परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं। और इच्छा भी ना तो सोने चांदी की थी, इच्छा भी ना तो धन दौलत की थी, इच्छा भी ना तो सुख समृद्धि थी, समृद्धि की थी, इच्छा थी तो साधु के दर्शन की थी। साधु के दर्शन मात्र हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा मृत्यु सफल हो जाए, यही एक भावना के साथ में पिताजी ने दोनों बालकों के सामने इच्छा व्यक्त की थी। दोनों इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागते रहे, सुबह से लगाकर दोपहर तक, लेकिन कोई योग साधु भगवान का मिला नहीं। तब जाके पन्नालाल जी के मन में एक विचार आया। पहले के समय में आप लोगों के घर पर शोकेस में गुरु भगवान के उपकरण रखे जाते थे। आज तो आप शोकेस में क्या क्या रखते हो मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन पहले का एक समय था जब गुरु भगवान के जीवन के जितने भी उपकरण है वह शोकेस में रखे जाते थे, क्योंकि हर रोज हमें दर्शन भी हो जाए और यदि कोई गुरु भगवान को जरूरत पड़ जाए तो गुरु भगवान को हमें बहराने का लाभ भी मिल जाए। ऐसे ही घर के शोकेस में साधु भगवान के वस्त्र पड़े हुए थे, साधु भगवान के पात्र पड़े हुए थे, डंडा पड़ा हुआ था। और तब जाके पन्नालाल के मन में विचार आया, अरे यार प्रभु पिताजी की इच्छा है, अंतिम इच्छा है, और वह पिताजी की अंतिम इच्छा मुझे कैसे भी परिपूर्ण करनी है। साधु भगवान का योग तो पूरे नगर में है नहीं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, एक ही रास्ता है, मैं खुद थोड़े समय के लिए साधु बन जाता। यह विचार पन्नालाल जी के मन में आया। पन्नालाल जी ने अपने बड़े भाई शेषमल से यह विचार शेयर किया। शेषमल को भी विचार अच्छा लगा,
ठीक है बनालाल जी, आप वस्त्र धारण कर लो, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की बात है, फिर वस्त्र निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। पन्नालाल जी ने वस्त्र धारण कर लिए। वस्त्र धारण करने के बाद में हाथ में डंडा पकड़ लिया, हाथ में तरवनी ले ली, पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए। पिताजी की अंतिम अवस्था थी, थोड़े दूर खड़े रहे ताकि पहचान न पाए कि पन्नालाल ही है, और पिताजी को जाके धर्म लाभ सुनाया, पिताजी को जाके मंगल पाठ सुनाया, पिताजी को जाके मांगलिक सुनाया, और वह मांगलिक मंगल पाठ और धर्म लाभ सुनने के बाद में थोड़े ही समय में पिताजी का देहांत हो गया। अब पन्नालाल के मन में एक विचारधारा शुरू हो गई। उस दिन तो वस्त्र निकाल दिए, उस दिन तो वस्त्र को जो धारण किए थे वह वस्त्र का त्याग कर दिया, वस्त्र निकाल दिए, खुद ने संसारी वस्त्र धारण कर लिए। लेकिन संसारी वस्त्र धारण करने के बाद में पन्नालाल के मन में एक विचारधारा शुरू हुई, अरे यार मैंने गलत ही गलत, मतलब सही नहीं संयम धारण किया, खाली वस्त्र धारण किया, फिर भी मैं मेरे पिता का कल्याण कर पाया। यदि सच्चे अर्थ में मैं साधु बन जाऊं, यदि सच्चा साधु यदि मैं बन जाता हूं, सही अर्थ में मैं संयम को धारण कर लेता हूं, सही अर्थ में यह वस्त्र को धारण कर लेता हूं, तो हजारों लाखों जीवों का तो कल्याण कर पाऊंगा, निश्चित मेरा भी कल्याण कर पाऊंगा। और उसी दिन संयम के जो बीज थे उनके मन में आरोपित हो गए। उनको लग गया कि नहीं यार, संयम में ताकत है हजारों लाखों जीवों का कल्याण करवाने की, और मेरे खुद के आत्मा के कल्याण की ताकत संयम में, और निश्चित कर लिया कि संयम लेना ही है। व्याख्यान प्रसारण के पुण्यार्जक स्वर्गीय वसंतलाल शांतिलाल शाह और लता बेन वसंतलाल शाह अहमदाबाद सुरेंद्र नगर वाले की पुण्य स्मृति में। फर्म पार्श्व प्रेम पी के इंफ्रा LLP अहमदाबाद उत्पल वी शाह, उत्पल वसंतलाल शाहपुत्र, किंजलबेन उत्पल भाई शाहपुत्र वधु, अविश देवांश पौत्र, सुरभि बेन मनोज कुमार शाहपुत्री, सुनीता बेन अश्विन कुमार शाहपुत्री।